हेलो व्यूअर्स, मैं आपके लेके आया हूँ सैमसंग गैलेक्सी M30। अभी इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। मेरा नाम शहजाद है और आप देख रहे हैं दी शॉपिंग। चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सब्सक्राइब कीजिए दी शॉपिंग को और क्लिक कीजिए बेल आइकॉन पे ताकि आप देख सको मोबाइल फोन की अनबॉक्सिंग और रिव्यू सबसे पहले। दोस्तों, ये सैमसंग गैलेक्सी M30 का ग्लोबल वेरियंट वाला बॉक्स है। इसकी एक्सेसरीज में मिलता है आपको फास्ट चार्जिंग वाला 2 एम्पेयर का USB पावर अडाप्टर, USB डाटा केबल सी टाइप रिवर्सिबल कनेक्टर वाली। यह फ़ोन एक वेरिएंट में बनाया गया है। 4GB रैम और 64GB इंटरनल मेमोरी है। पाकिस्तान में इसकी जो प्राइस है 35,000 रुपीज़ है। सैमसंग गैलेक्सी M30 पाकिस्तान में ऑफिशियली लॉन्च नहीं किया गया, लेकिन नॉन वारंटी में अवेलेबल है। ये फ़ोन PTA से अप्रूव नहीं है। इंडियन प्राइस इस फ़ोन की 15,500 रुपये है। इस फ़ोन की रीसेल वैल्यू PTA से अप्रूव ना होने की वजह से अच्छी नहीं है। इसकी जो बैक है फाइबर प्लास्टिक की बनाई गई है, ग्लॉसी शाइनिंग वाली लुक है। इसका फ्रेम प्लास्टिक का बनाया गया है, यूनी बॉडी है, एक ही तरह से बनाया गया है, इसमें कोई भी कट नहीं है। कलर कोटिंग की गई है इस पे। फ्रेम के ऊपर राइट साइड पे पावर बटन है और साथ वॉल्यूम अप एंड डाउन कीज हैं। फ़ोन की बॉटम पे फ्रेम के ऊपर 3.5mm का होल है हैंड फ्री लगाने के लिए। साथ चार्जिंग स्लॉट है, सी टाइप कनेक्टर लगेगा। इसके साथ माइक है और साथ रिंगर है। फ़ोन के अपर साइड पे फ्रेम के ऊपर डेडिकेटेड माइक है। फ़ोन की राइट साइड पे सिम स्लॉट है। इसकी बॉडी डायमेंशंस 159mm की हाइट है, 75.1mm विड्थ है इसकी, 8.5mm इसकी डेप्थ या मोटाई है, 174g इसका वेट है। सैमसंग गैलेक्सी M30 फ्रंट पे फुल एच टू एच डिस्प्ले है, फुल ग्लास है। 6.4 इंचेस का इन्फिनिटी यू डिस्प्ले है। सुपर एमोलेड कैपेसिटिव टच स्क्रीन है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 88.1% है। IPS LCD कैपेसिटिव टच स्क्रीन है। 16 मिलियन कलर्स हैं। डिस्प्ले का जो रेजोल्यूशन है 1080x2340 पिक्सल्स का है। 394 PPI पिक्सल डेंसिटी है। डिस्प्ले में नोटिफिकेशन LED लाइट नहीं है। सैमसंग गैलेक्सी M30 में हाईटेक बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन है। रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है। फेस रिकॉग्निशन के तौर पर कन्वीनियंट मोबाइल सिक्योरिटी है। सेंसर्स में आपको मिलता है एक्सेलरोमीटर, गायरो, प्रॉक्सिमिटी कॉम्पस। कनेक्टिविटी में मिलता है आपको वाईफाई, ब्लूटूथ, GPS, AGPS, ग्लोनस, BDS, वाईफाई डायरेक्ट, हॉटस्पॉट और रेडियो। ये फ़ोन ड्यूअल सिम सपोर्ट करता है, दोनों सिम नैनो लगा सकते हैं। मेमोरी कार्ड के लिए डेडिकेटेड स्पेस है। 512GB तक MicroSD मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। इसकी जो बैटरी की बात करें तो 5000mAh की लॉन्ग नॉन रिमूवेबल बैटरी है इसकी। 15W का फास्ट बैटरी चार्जिंग सपोर्ट है इसके अंदर। 10 मिनट में ये 5% फ़ोन चार्ज होता है। इसकी बैक पे ट्रिपल रियर कैमरा है, एक 13 मेगापिक्सल का है 1.9 अपर्चर के साथ, दूसरा 5 मेगापिक्सल का है, अल्ट्रा वाइड कैमरा है ये, तीसरा 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर लगाया गया है। रियर कैमरे के फीचर्स में ऑटो फोटोग्राफी, लाइव फोकस, स्टिकर्स, कंटिन्यूस शॉट्स, ब्यूटी मोड, प्रो मोड, पेनोरामा और वीडियो मोड है। फ्रंट कैमरा सिंगल है 16 मेगापिक्सल का 2.0 अपर्चर के साथ। फ्रंट कैमरे के फीचर्स में नॉर्मल सेल्फी, लाइव फोकस, स्टिकर्स और वीडियो मोड है। इसका ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड OS 8.1 ओरियो इसमें बिल्टन जो इंस्टॉल्ड है। इसमें जो चिप लगाई गई है एक्जीनोस की 7904 है 14nm की। ऑक्टाकोर 1.8GHz का इसमें CPU लगाया गया है और माली का G71 MP2 का GPU है इसमें मिलता है आपको।